हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन के एक और नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ आपके सामने रूबरू हैं। होप अभी तक आपने जाना होगा, सीखा होगा बहुत कुछ है प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन एक वाइड रेंज का टॉपिक है, इसके बारे में हम ज़्यादा एक ही लेक्चर में पिरो दें दैट्स इम्पॉसिबल फॉर अस। और अगर वो कई घंटों का लेक्चर होगा तो फिर आप देखने में भी दिक्कत महसूस करेंगे और समझने में भी दिक्कत महसूस करेंगे। दैट्स वाई वी हैव आई हैव मेड सम पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन ए ग्रेट टॉपिक, ए वाइड टॉपिक। इन बिट बाई बिट आई विल टेल यू एंड आई विल टीच यू हाउ टू यूज़ प्रीपोजिशंस। तो आज हम प्रीपोजिशन के किस आस्पेक्ट को यूज़ करने वाले हैं। हमारे सामने कई बार प्रीपोजिशंस होती हैं, कुछ ऊपर के लिए यूज की जाती है, कुछ नीचे के लिए यूज की जाती हैं। तो ऊपर के लिए जो यूज की जाती हैं उनके लिए कुछ वर्ड्स, कुछ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था ऑन, अपॉन, ऑन टू, अबव एंड ओवर, एक अप होता है। ये छह प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं जो कि जनरली यूज होती हैं, जिनको हम जो है ना ऊपर के लिए यूज करते हैं। जैसे हम बताएंगे कि दीज आर द प्रीपोजिशन विच आर यूज्ड टू डिनोट द हायर पोजिशन फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से ऊंची स्थिति के लिए हम को डिनोट करने के लिए, को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए सबसे पहले ऑन का प्रयोग करते हैं कोई चीज़ जब रेस्ट पोजीशन में होती है। किस में होती है? रेस्ट पोजीशन में होती है, सॉरी कोई चीज़ रेस्ट पोजीशन में होती है। जैसे कि द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, दैट इज वेरी सिंपल एंड इन रेस्ट पोजीशन। दूसरा कोई चीज़ हम कवरिंग पोजीशन में होती है, कवरिंग पोजीशन, जैसे कि कवरिंग पोजीशन, कवर करने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं, कवरिंग पोजीशन। इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो क्या है कि ही पुट ए कवर ऑन द बेड, हम कवर करने के लिए, या कहेंगे हम ही कवर द टेबल, ही कवर द टेबल विद द हेल्प ऑफ ए पेपर, बट हम यहाँ कहेंगे ही यूज्ड न्यूज़पेपर टू कवर ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग, किसी चीज़ को कवर करने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। तीसरा क्या होता है कि कई बार हम सिचुएशन फॉर्म करते हैं, कोई चीज़ का फॉर्मिंग समथिंग, किसी चीज़ को फॉर्म करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, और उसका अपर सरफेस के ऊपर अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये कहेंगे यूज्ड ए सिल्वर पेपर ऑन ब्रेड, तो हम इस चीज़ को कवर करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि इन तीन सिचुएशन के लिए, जब हम कोई चीज़ रेस्ट पोजीशन में ऊपर के सरफेस पे होती है, किसी चीज़ को कवर करते हैं, या फिर तीसरा क्या कहेंगे, किसी चीज़ को बनाने के लिए हम किसी अपर सरफेस के ऊपर कोई लेयर ऐड करते हैं, तो उसके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इन सभी के सभी चीज़ों के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, एंड यही चीज़ें हमें डिनोट करती हैं। अगर हम एक सेंटेंस में कहें कि समथिंग इन कॉन्टेक्ट विद सरफेस एंड अपर साइड ऑफ द सरफेस जो होता है, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, आफ्टर द, ये जो है ना, ये तीन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं। ऑन में और अपॉन में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता ऑन में और अपॉन में। अपॉन थोड़ा फॉर्मल यूज़ के लिए करते हैं हम, ये फॉर्मल यूज़ होता है, जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम वी डिड दिस, फॉर्मल यूज़ होता है। फॉर्मल यूज़ के लिए हम अपॉन का यूज़ करते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग, तो यहाँ पे इस फॉर्मल यूज़ के लिए हम अपॉन का यूज़ करते हैं। हाँ, ऑन टू थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा इनसे। ऑन टू का प्रयोग क्या करते हैं कि सरफेस के अपर साइड में ही होनी चाहिए, अपर साइड ऑफ सरफेस, बट वो चीज़ मूवमेंट में होनी चाहिए। वो चीज़ क्या होनी चाहिए? मूवमेंट में, एक जगह से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इफ़ वी स्लिप समथिंग ऑन द अपर साइड ऑफ द सरफेस तो हम अपॉन ऑन टू का यूज़ करते हैं। आई स्लिप्ड द बुक ऑन टू द टेबल, इसका मतलब मैंने टेबल के ऊपर अपनी पुस्तक को एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकाया, इसके लिए हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। तो ये होता है ऑन टू। तो ये ऑन, अपॉन एंड ऑन टू, तीन वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऑन का यूज़ करें कि अपॉन का। तो ऑन में और अपॉन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है जब हम इसको यूज़ करें कि ऑन का जब यूज़ करते हैं, जब ऑन किसी चीज़ के ऊपर की बात आते हैं तो हम ऑन का यूज़ करें, और कोई फॉर्मल कंटेक्स्ट में यूज़ करना चाहे तो हम अपॉन का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम 99.99% केसेज में ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट को अगर आइडेंटिफाई आप कर पाते हैं देन ओके, अदरवाइज डोंट यूज़ अपॉन।
हाँ ओंटू का सम स्पेशल सिचुएशंस आर क्रिएटेड एंड वी यूज ओंटू. तो ओंटू का यूज़ भी हम मूवमेंट में, जब अपर साइड के ऊपर कोई चीज़ हम मूवमेंट में होती है उस मूवमेंट की चीज़ को, चीज़ के सिचुएशन को हम डिनोट करने के लिए हम ओंटू का यूज़ करते हैं. तो ये तीनों के तीनों एक ही कंटेक्स्ट की कहेंगे, एक ही रेफरेंस की प्रीपोजिशंस थी, इसलिए हमको इसको क्लब कर दिया. अब यहाँ पे अबव एंड ओवर जो होता है इनको भी क्लब किया जा सकता है. बोथ मीन द सेम, बोथ हैव द सेम कंटेक्स्ट, लेकिन थोड़ा सा यूज़ में डिफरेंस होता है. अब अबव में और ओवर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों बोथ कैन बी यूज एट एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, दोनों को दोनों यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस इज देयर. एंड वो स्लाइट डिफरेंस जो होता है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है. जैसे हम अबव का यूज़ करते हैं, अबव बहुत ऊंचा होता है एंड देर इज ए गैप बिटवीन द सिचुएशन द पोजिशन एंड द पर्सन हु इज टेलिंग दिस. जैसे हम कहेंगे क्लाउड्स आर अबव अस, सन इज अबव अस. तो अबव का प्रयोग कब करेंगे, जब बहुत सारे, एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा. जैसे यहाँ पे हम एक ट्री इनेक्ट क्रिएट करते हैं, दिस इज ए ट्री एंड देर दीज आर क्लाउड्स, दीज आर क्लाउड्स. ए मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ए मैन इज स्टैंडिंग हियर, सिटिंग हियर, स्टैंडिंग और सिटिंग हियर, द ट्री इज ओवर हिम. ये ध्यान रखें, द ट्री इज ओवर हिम बट क्लाउड्स आर अबोव हिम. डिफरेंस समझिएगा, जब अबोव ओवर में डिफरेंस करना करेंगे हम, तो अबोव जो होता है ना वो ओवर से कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है. अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि ओवर तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जो जस्ट इमीडिएट आफ्टर द इमीडिएट अबोव ओवर द पर्सन और थिंग, किसी चीज़ के ऊपर जस्ट ऊपर कोई चीज़ होती है वो ओवर होती है. लेकिन उस उससे ज़्यादा और ज़्यादा ऊंची हो, इतनी ऊंची हो कि उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाएं, तो हम क्या कहेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हम अबोव का यूज़ करेंगे. कैसे करेंगे, जैसे प्लेन इज फ्लाइंग अबोव द मॉल, कोई शॉपिंग मॉल है, द प्लेन इज फ्लाइंग अबोव द मॉल. इसका मतलब क्या हुआ, मॉल की छत भी आ गई बीच में और भी बहुत सारी लेयर्स आ गई, उसके ऊपर जाके हमारा क्या उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है. तो यहाँ पे इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अबोव का यूज करेंगे, द प्लेन इज फ्लाइंग अबोव द मॉल. लेकिन अगर ये कहेंगे कि द चिल्ड्रन आर सिटिंग ओवर द रूफ, छत के ऊपर, ऑन द रूफ कहेंगे, लेकिन दे आर ओवर मी, वो मेरे ऊपर हैं, मतलब द रूफ इज ओवर मी, छत मेरे ऊपर है, एंड द स्टूडेंट्स आर सीटिंग ऑन द रूफ, वो उसके ऊपर बैठे हैं. तो ये जो है ना सिचुएशन, इस तरह से समझे आप कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंची होती है और उन दोनों के बीच में कोई चीज़ आ जाए, देन वी यूज अबोव, और जब बिल्कुल इमीडिएट ऊपर होती है कोई चीज़, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे. जैसे कि हम कई बार यूज़ करते हैं कि सन इज ओवर अस और सन इज अबोव अस, दोनों के दोनों यूज़ किए जा सकते हैं. अब यूज कैसे किए जा सकते हैं दोनों, क्योंकि सन इज ओवर अस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर है, तो हम उसके लिए ओवर भी यूज़ करते हैं, अबोव भी यूज़ करते हैं. बेशक चाहे हमारे बीच में कुछ भी आता हो, हमारे बीच में और सूर्य के बीच में, सन के बीच में कुछ भी आता हो, उनके बीच लिए हम यूज़ कर सकते हैं. बट इफ सन इज नॉट एट द जेनिथ, जेनिथ का मतलब बोलते हैं बिल्कुल सिचुएशन ऐसी टॉप सिचुएशन के ऊपर, अगर जेनिथ पे नहीं है, अगल बगल साइड में है, तो अबोव कहेंगे हम उसको, हम अबोव कहेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे ठीक ऊपर नहीं है. तो सिचुएशन मस्ट बी क्रिएटेड इन सच ए वे दैट वी कैन क्लेरिफाई थिंग्स इजीली. तो यहाँ हम अबोव और ओवर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ है, दे बिल्ट ए रूम अबोव एंड ओवर द रूफ. अब छत के ऊपर कमरा बनाया है, तो उसके लिए हम ओवर का यूज़ भी कर सकते हैं और अबोव का यूज़ भी कर सकते हैं. लेकिन जब कोई चीज़ हमारे ऊपर मूवमेंट में होती है, मूवमेंट में हो, तो सिर्फ ओवर का यूज़ करना है. एग्जाम्पल जैसे कि ही स्लिप्ड ए चेयर ओवर द रूफ, उसने छत के ऊपर एक चेयर खिसकाई, इधर से इधर खिसकाई. अभी ओंटू का भी यूज किया था हमने, लेकिन ओंटू हमारे नीचे थी. लेकिन जब हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग ओवर अस, कोई चीज़ हमारे ऊपर कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम ओवर का यूज़ करें. हमारे सामने कोई चीज़ है तो हम ओंटू का यूज़ कर देंगे उसके लिए. आप समझिए इस चीज़ को, हमने अभी बताया था कि जब कोई चीज़ मूवमेंट में होती है, अपर साइड के मूवमेंट में होती है, तो हम ओंटू का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर यही सिचुएशन हमारे ऊपर होती है, टेबल तो हमारे सामने है, तो ओंटू का यूज़ कर दिया, लेकिन छत हमारे ऊपर है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम ओवर का यूज़ करेंगे. ही स्लिप द चेयर ओवर द रूफ,
छत के ऊपर एक साइड से दूसरी साइड में उसने कुर्सी खिसकाई। तो इसके लिए तो मूवमेंट का बिल्कुल ध्यान रखना है, चाहे वो जो है जैसी भी सिचुएशन हो आप उसको। अब दूसरी बात क्या होती है कई बार कि कई बार टच करती है वो चीज़, कई बार टच नहीं करती है। जैसे कि आई स्लिप्ड माई हैंड ओवर हिज बॉडी, लेकिन उस पूरी तरह शरीर के ऊपर टच नहीं किया था, पार्टली टचिंग पार्टली नॉट टचिंग, तो भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ही पुट ए ब्लैंकेट ओवर ए स्लीपिंग चाइल्ड, जैसे हमने बताया कि कवर करने के लिए भी करते हैं। कई चीज़ें कई बार हायर चीज़ होती है बट नॉट टचिंग द सरफेस, सरफेस को टच करने वाली नहीं होती। द सन इज ओवर आर हेड, जैसे अभी एग्जाम्पल आपको बताया। सम एग्जाम्पल्स आर डिस्प्लेड हियर, कुछ एग्जाम्पल यहाँ डिस्प्ले किए गए। तो वो ये सारी सिचुएशन आपको समझें आप इस चीज़ को, जो ये हमें बताती है, जो ये बताती है हमें कि ओवर एंड अबो का यूज़ कैसे करते हैं। अब तीसरा क्या है कि अप का यूज़, ये हमने क्लब कर रखा है ऑन अपॉन ऑन टू को, अबो को और ओवर को, और अप इज अलोन हियर। अप का प्रयोग कब करते हैं, अप एक स्पेशल यूज होता है इसका, और स्पेशल यूज होता है, और स्पेशली यूज कहाँ होता है इसका, फ्रेजल वर्ब्स में यूज होता है। इंडिपेंडेंट यूज आपका हम बहुत कम करते हैं, इसको हम एडवर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं या फिर किसके तौर पे यूज़ करते हैं, फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं, फ्रेजल वर्ब और एडवर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं आगे एडवर्ब का, जब हम लेक्चर तैयार करेंगे आपके लिए तो हम बताएंगे आपको कि जैसे कि स्टैंड अप एक वर्ड होता है, प्लीज़ स्टैंड अप, तो इसमें अप जो है ना वो प्रीपोजिशन नहीं है। तो इसके यूसेज पे भी डिपेंड करता है कि दिस वर्ड इज़ प्रीपोजिशन और एडवर्ब और समथिंग एल्स। तो ये हम पे बताएंगे आपको कि किस प्रकार से इनमें डिफरेंस होता है। तो ये जो अपवर्ड होता है ना, स्पेशली यूज्ड विद फ्रेजल वर्ब्स। तो अप जो होता है, अगर अप की बात करें, हम इसके ऊपर की बात करें, तो अप जो यूज करते हैं, ये कोई चीज़ वन एक पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाती है, कोई चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तब हम आपको प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं। हम ये कहेंगे जैसे कि प्राइसेज आर गोइंग अप। एक ये कोई चीज़ कहते हैं कि कोई चीज़ जेनिथ पे होती है, अपने बिल्कुल सही टॉप पे होती है, तब भी हम ये यूज करते हैं। जैसे कि टीम वर 3-1 अप एट हाफ टाइम, हाफ टाइम में जो टीम थी वो 3-1 की सिचुएशन पर थी। तो कोई चीज़ या तो ऊपर की तरफ जा रही है, अप का यूज़ करेंगे हम, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, अप का यूज़ करते हैं, गोइंग अप कि अप के लिए, जो ऊपर जाने के लिए। या फिर कोई चीज़ ऊपर होती है, बिल्कुल ऊपर एक ऐसे पॉइंट पे आके रुक गई है, जैसे कि हम कहेंगे कि जब सिचुएशन हमारी ऐसी बनी, जब हाफ टाइम हुआ तो टीम 3-1 से ऊपर थी, तो एक ये पॉइंट है। तो कोई ऊपर पॉइंट डायरेक्शन के लिए, ऊपर कोई चीज़ गोइंग अपवर्ड के लिए, या कोई अपवर्ड पोजीशन है और वहाँ जाके स्टैंड स्टिल हो गई है, तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, अप का यूज़ करते हैं। तो दीज आर सम यूसेज ऑफ ए वर्ड और ए प्रीपोजिशन विच डिनोट्स हायर पोजिशन फ्रॉम द सरफेस। अप के लिए ऑन अपॉन ऑन टू, अबो ओवर अप, ये वर्ड यूज करते हैं। और इनका कैसे यूज करते हैं, आप सेंटेंसेस बना के देखिएगा। इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी टेल मी, ओके ना। सो स्टूडेंट, ये जो आपने अपवर्ड पोजिशन के लिए जो प्रीपोजिशन सीखी हैं, इनके सेंटेंसेस बना के देखिएगा। कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, ओके। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।